हाय फ्रेंड्स, अनीताज किचन एंड ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है और मैं आगे की वीडियो लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम गणपति बप्पा से शुरुआत करेंगे और माँ बाप का आशीर्वाद साथ रहे तो बात ही कुछ और है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मम्मी पापा हैं और आज मैं आपको बता देती हूँ, घर बना रहे हैं तो उसकी नींव रखने जा रहे हैं आज, जो बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए। और ये देखिए यहाँ पे पूजा हो रही है तो मैं इसकी क्लिप्स आपको दिखा दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। तो हम आ गए हैं और बाकी के सब घर के जो मेंबर थे वो पहले से आए हुए हैं। हाय हाय हाय, चेतना भी अपने दादाजी के साथ पहले ही आ गई थी। बच्चे सभी आ गए थे पहले ही। ये देखिए सभी बच्चे यहाँ पे हैं और बहुत खुश हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। इधर बातें हो रही हैं सास बहू की। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम बना रहे हैं घर और बहुत अच्छी लोकेशन भी है ये और बहुत ही अच्छी जगह है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब लोग आ चुके हैं। पंडित जी भी अपनी पूजा में लगे हैं, तैयारियों में लगे हैं। इधर या ये क्या कर रहे हैं, नीम लगा रहे हैं, मतलब आज फर्स्ट टाइम है। और नीम भरते हैं ना, जिसे हमारे यहाँ पे तो पाया भरते हैं ये भी बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे बताना प्लीज़। और ये देखिए पंडित जी अपनी पूजा में लगे हैं। ये आप देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घर के सभी लोग भी है ना पूजा में बैठ गए हैं और मम्मी पापा घर में सबसे बड़े हैं तो उनके पूजा में बिठाया गया है। और माँ बाप का साथ है तो किसकी ज़रूरत है, एक भगवान होनी चाहिए, एक माँ बाप होने चाहिए, बस दोनों का साथ होना चाहिए फिर सब कुछ सही होता है। तो मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं और पंडित जी इनसे ही करवा रहे हैं क्योंकि घर के बड़ों के हाथ से ही होना चाहिए कोई भी शुभ काम हो। तो ये देखिए ये पूजा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से पूजा होती है, पाए की पूजा जिसे नींव भराई भी बोलते हैं उसकी पूजा। तो ये देखिए अब हम ये मतलब अपनी विधि से सब कुछ करवा देंगे इनको। और हमारे लिए तो बहुत ख़ास दिन है कि घर बनता है तो मतलब लाइफ ही होती है, वो भी एक क्या, वो तो पूरी लाइफ ही होती है घर। तो घर मतलब स्टार्ट होता है तो सबको बहुत खुशी होती है। हमारे घर में भी सबको बहुत खुशी है कि हाँ घर बन रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन हम कहाँ रह रहे थे, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो बता दूँगी कि अभी तक हम कहाँ रह रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए हमारे यहाँ पे राजस्थान में कुछ इस तरीके से विधि विधान से सब कुछ होता है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, गांव में तो बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं बट यहाँ पे है ना हमारे यहाँ पे नहीं होते हैं इतने ज़्यादा इकट्ठे लोग। तो हमने क्या किया है, घर घर वालों ने ही मिलके और पूजा की है ये देखिए। और जब हमारे गृह प्रवेश होता है ना तब सब इकट्ठे होते हैं, तो वो वीडियो में भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए पंडित जी ने एक एक करके सभी के और धागा जिसे हम नाल बोलते हैं वो बांध दिया है, मोली बोलते हैं आप कई जगह, मोली भी बोलते हैं, वो बांध दिया है। तो ये देखिए ये मेरा बेटा है यश, बड़ा बेटा, और चेतना छोटी है। इनसे मैं आपको पहले ही मिला चुकी हूँ। और इधर ये चेतना के बड़े पापा हैं, बड़ी मम्मी हैं, सभी हैं, मतलब घर के जितने भी मेंबर हैं हमारे वो सभी हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा मौसम था इस टाइम और बहुत सबको अलग ही खुशी थी कि हाँ आज से हमारा घर स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए चेतना के पापा हैं, ये चेतना की मम्मी आएगी अब यानी कि मैं, और चेतना भी देखिए बहुत ही खुश है आज।
और ये मिस्त्री है जो घर बनाएगा वो है, तो इनके भी हमने, पंडित जी ने, इसके दादाजी ने मोली बांध दी है और अब इनको पैसे भी देंगे, जितना भी नेट बनता है थोड़ा वो, मतलब जितना बनता है वो देंगे। तो हमारे यहाँ पे रिवाज होता है ये कि कोई भी शुभ काम होता है ना तो फिर एक दूसरे को देते हैं, मतलब पैसे वगैरह या फिर कपड़े वगैरह देते हैं। तो जो मैंने दिए थे वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो ये देखिए अब यहाँ पे ये नींव है, कुछ इस तरीके से भर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितना भी सामान होता है ना, धूप वगैरह, हरी चीज़ें और फल फ्रूट सब कुछ यहाँ पे डाल देंगे। यही है नींव, मेन चीज़ यही है, यहीं से स्टार्ट हुई है। और ये देखिए चेतना के पापा हैं जो कलश रखेंगे यहाँ पे नीम के अंदर, मतलब इसी को बोलते हैं नीम भराई। आप हमारे यहाँ निवास करें, भाई देवता अपने संग बता रहे, जब भी शुभ कार्य हो आप बता रहे तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा पूरी हो गई है, संपन्न हो चुकी है, छोटों ने बड़ों के मतलब आशीर्वाद दे लिया है। और बस इतना ही व्लॉग था, बस मैंने सोचा कि चलो खुशी हो रही है, बहुत अच्छी बात है, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये हमारा जो प्रोग्राम था वो कैसा लगा, और कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ओके फ्रेंड्स, करती हूँ दी एंड इस व्लॉग का, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।